फयाज जफर एक बार फिर आपके सामने और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। एक्चुअली मेरे भाई का है बर्थडे और आई एम प्लानिंग टू मेक अ ब्राउनी केक फॉर हिम। सो तेरी किस बात की है, जल्दी से अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं और क्विक सर्विस केक बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स से मिलवाती चलूँ तो चले हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। पे लिया है 1 कप ऑयल, 1 कप चीनी ली है, मैंने यहाँ पे कास्टर शुगर लिया, आप आम चीनी भी ले सकते हैं। कास्टर शुगर मिठास में बहुत थोड़ी सी कम होती है, केक्स में बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसके ऊपर आइसिंग होनी होती है, तो इसलिए कास्टर शुगर मैंने ली है। फिर उसके बाद मैंने 1/2 कप कोको पाउडर लिया है, 1 कप मैदा लिया है, 1/2 कप मैंने क्रीम ली है और इसको इग्नोर करें, ये मेरे मोबाइल का चार्जर है जो कि साथ साथ लगा रहता है। और मैंने यहाँ पर जनाब लिया है बेकिंग पाउडर जो कि मैं 1 चम्मच यूज़ करूँगी, 1 टीस्पून। 2 मैंने अंडे ले लिए हैं, ये मैंने गेंडे की बंटीज ले ली हैं ऊपर डेकोर करने के लिए, और ये थोड़ी सी चॉकलेट चिप है ये भी डेकोर में यूज़ होंगी। ये मैंने ब्लू कलर लिया है जी, थोड़ा सा आइसिंग में यूज़ करूँगी। वनीला एसेंस है बहुत थोड़ा, शायद ना यूज़ करूँ। फिर उसके बाद मैंने ये जी ली है कुकिंग चॉकलेट, जिसको मैं आइसिंग में यूज़ करूँगी। इसके अलावा घर में जब भी कोई केक शेक आए उसका जो ये वाला हिस्सा है इसको बचा के रखें। और मैंने एक अदद स्पैचुला ले लिया है, 1 छन्नी ले ली है आमसी हर घर में होती है, 1 हैंड विस्कर लिया है और 1 इलेक्ट्रिक विस्कर लिया है, ठीक है। और इस बॉल में हम सारी मिक्सिंग करेंगे और उसके बाद हम अपनी बेकिंग की तरफ चलेंगे। तो चलें जी हम अपनी अब रेसिपी शुरू कर रहे हैं। चलिए जी रेसिपी में स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फौरन बाद मैंने जो 1 कप ऑयल लिया था उस 1 कप ऑयल को मैंने अपने बोल में ऐड कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जा रही है जी 1 कप चीनी, ठीक हो गया। इन दोनों को अच्छी तरह से अब मैं बीट कर लूँगी, अपने कान बंद कर लें सब। हमने क्या करना है, अब हमने इसमें अंडे शामिल करने हैं। अंडे मैं पहले इसलिए एक अलग प्याली में निकाल रही हूँ कि अक्सर अंडे ख़राब निकल आते हैं तो सारा बैटर जो है ना ख़राब हो जाता है। अब हम इसमें 3 अंडे शामिल करेंगे एक एक करके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, 1 अंडा आ गया, अब इसको हम बीट कर लेंगे। नहीं जी, ये वाला बैटर हमारा अब रेडी है, अब हम बनाएंगे 2nd वाला बैटर और वो मिक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ जी कैसे रेडी होगा। नहीं जी, अब हम बना रहे हैं अपना ड्राई मिक्सचर। ड्राई मिक्सचर के लिए हमने क्या लेना है जी, 1 बोल लेना है। 1 बोल के अंदर हमने इसे छानी रखनी है। अब इस छानी में सबसे पहले जा रहा है जी मैदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप मैदा गया है, 1/2 कप हमारा जा रहा है कोको पाउडर, ठीक है जी। 1/2 कप कोको पाउडर के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इतना 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, दैट्स इट। अब इसको हम बहुत अच्छे से छान लेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से छान के। और फिर अब हम ये हमने क्यों छाना है, इस वजह से ये जो है ना आपके केक के अंदर लम्स बनाते हैं तो हमने ये हटाने हैं। अब हमने इस मिक्सचर को इसमें डालना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और गिव अ गुड फोल्ड। अब इसकी आप ये देखें थिक हो रही है कंसिस्टेंसी अच्छे से। इस स्टेज पर हमने ये 1/2 कप अपना जो क्रीम रखी हुई है वो ऐड कर, लीजिए ये देखें ये इसकी कंसिस्टेंसी है इस वक्त लाइक दिस, ये देखें आप देख रहे हैं। मेरे पास ओवन में चलाने के लिए ये बोल है,
और मैंने देखना है कि इस बोल को ही देखें, केक जो है ना इसके ऊपर फिक्स आएगा ऐसे। बड़ा बोल है, अब इस बोल में हमने क्या करना है, अच्छी तरह से एक चम्मच आप ऑयल उसमें डालें और उसको पूरे बोल में अब इसको मैं 30 सेकेंड्स का रेस्ट दूंगी और 30 सेकेंड्स बाद जो है ना मैं इसको माइक्रोवेव कर दूंगी फॉर 5 to 6 मिनट्स। अब मैं दूसरे फ़ोन पे टाइमर ऑन कर दूंगी और फिर उसके बाद मैं टूथपिक के साथ चेक करती रहूँगी आफ्टर 5 मिनट्स और फिर 7 मिनट पे। तो 7 मिनट पे मेरी टूथपिक खाली आई है, ये देखें जी इस तरह से। ये आपकी टूथपिक जब इस तरह से खाली आएगी तो इसका मतलब है बेहतरीन केक आपका रेडी हुआ है। चलिए अब हम केक को ठंडा होने देते हैं, जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इस बोल से निकालेंगे। उतनी देर में हम अपनी फ्रॉस्टिंग तैयार करते हैं। फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने आम वॉलपर्स की क्रीम ली है, ठंडी बर्फ, उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से बीट किया है आइसिंग शुगर डाल के। जो आइसिंग होती है ऊपर की जिसको फ्रॉस्टिंग कहते हैं, उसमें आइसिंग शुगर अगर आप डाल लेंगे क्रीम में तो वो बहुत जल्दी एक तो व्हिप में चेंज हो जाएगी और उसका टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। ये जी मेरी विप क्रीम रेडी है इस वक्त और आप देख रहे हैं कि वो जो है उसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी हुई हुई है। और यहाँ पे मैं एक अदद जुगाड़ू काम करने लगी हूँ और वो ये है कि कप लिया है मैंने, कप में मैंने एक शॉपर की तिकोन वाली साइड लगा ली है और इसको मैं यूज़ करूँगी लिखने के लिए। ये देखिए अब ये इससे गिर नहीं रहा तो इसका मतलब है कि हमारा फ्लफ़ी क्रीम रेडी है बहुत अच्छे से। अब इस कप में मैं थोड़ी सी साइड पर कर लूँगी और बाकी मैं अपनी केक की आइसिंग तैयार कर लूँगी। लीजिए ये रेडी है, अब इसको मैं रेस्ट दे दूँगी और इससे मैं लिखूँगी। लीजिए अब मेरी क्रीम तो व्हिप हो चुकी है, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कोको पाउडर थोड़ा सा चॉकलेटी करने के लिए। इसमें क्योंकि मैंने चॉकलेट मेल्ट करके मिलानी है तो मैं ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ज़्यादा चॉकलेट चाहिए और आपके पास मेल्ट करने के लिए चॉकलेट भी नहीं है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच बड़े कोको पाउडर के ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके पास मेल्टेड चॉकलेट जो कुकिंग चॉकलेट होती है वो भी नहीं है तो आप आम चॉकलेट कोई भी डेरी मिल्क और मिल्की चॉकलेट्स वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है अब ये देखें थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है इसका और मेरी फ्रोस्टिंग रेडी हो गई है। मैंने जी केक को काट लिया है दरमियान से और बहुत अच्छा कटा है, बहुत नाजुक होता है केक, इसको बहुत एहतियात से उठा लें ताकि टूटे नहीं। अब हम करेंगे जी केक को डेकोर और ये टोटली ऑप्शनल है, जैसे जैसे जिस जिसका दिमाग मानता है उस तरह से सजाता जाए। मैंने क्या किया है कि नीचे एक लेयर लगाई है अपनी विप क्रीम के, उसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप डालें और ऊपर वाली लेयर मैंने निकाल दी थी जिसके अंदर ऑयल था केक का और मैंने इसको ऊपर रख दिया। अब इसके ऊपर मैं बाकी सारी लेयरिंग करूँगी, पूरी तरह से इसको कवर कर दूँगी विप क्रीम में और बेहतरीन जी रफ़ एंड टफ सी लुक। और इसके ऊपर मैंने चॉकलेट इस तरह से काट ली है, जब आप छुरी से इस तरह से चॉकलेट काटते हैं ना तो वो फ्लेक्स की सूरत में बन जाते हैं और वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। थोड़ी सी बंटीज थी वो डाल दी और ऊपर मैंने जो विप क्रीम बनाई थी, पहले सोचा था इसमें ब्लू कलर ऐड करूँ लेकिन फिर वो ज़्यादा हो गया और मैंने लिख दिया है जी हैप्पी बर्थडे हैदर। बेहतरीन सा मेरा केक इस वक्त रेडी है और आई कैन नॉट टेल यू ये कितना सॉफ्ट था और कितना मॉइस्ट था, कितना मज़े था। एक छोटी सी टिप है, अगर आपका स्पॉन्ज थोड़ा सा हार्ड हो जाए तो आपने क्या करना है कि पानी में चीनी को मिक्स करना है और बॉयल देना है, शीरा बनाना है और वो स्पॉन्ज पे डाल दें तो आपका स्पॉन्ज जो है वो हार्ड नहीं रहेगा। तो चलें जी जल्दी जल्दी से ये रेसिपी को ट्राई करें और जल्दी से किसी का भी बर्थडे आ रहा है केक बनाएं और मुझे फीडबैक दें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और इस वीडियो के नीचे अपने रिव्यूज़ दें अगर आप केक बनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।